अपने इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाते हैं जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरी से, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन को जनता से जोड़ने का काम किया है। पी नरहरी से बात की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। वर्तमान समय में सोशल मीडिया लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का बहुत सशक्त माध्यम के रूप में सामने उभर के आ रहा है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क किस तरीके से उसका उपयोग कर रहा है, किस तरीके से लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से विभाग काम कर रहा है सोशल मीडिया को लेकर लोगों को जोड़ने में और सूचनाएं पहुंचाने में? फरवरी 2018 से मध्य प्रदेश शासन, पूरा शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से लेके सभी माननीय मंत्रीगणों का, सभी डिपार्टमेंट्स का, और इसके साथ ही हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, जैसे कि डिविजनल कमिश्नर्स हैं, जनसंपर्क के हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स हैं और हमारे पीआरओस हैं, इन सब के हमने सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी बना लिए हैं। और इसके साथ ही नवीन मंत्रिमंडल का गठन दिसंबर 2018 में जो हुआ है, उसके बाद में हमने सोशल मीडिया का उपयोग का प्रभाव अत्यधिक करने का प्रयास किया है। आज का युवा, आज का किसान से लेकर महिलाएं और जितने भी शासकीय योजनाओं से लाभ लेने वाले हितग्राही हैं, वो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। राज्य शासन के अनेकों हितकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचाने में सोशल मीडिया अत्यधिक उपयोगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का सीएमओ मध्य प्रदेश के नाम से जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर डिविजनल कमिश्नर्स के जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स पे जो भी जन समस्याएं, जनता से संबंधित समस्याएं, जो भी ऐसे अर्जेंट और इमीडिएट इश्यूज होते हैं, वो जो भी वहां पे फ्लैग होते हैं, उन सभी का सकारात्मक और सही निराकरण समय समय पर संबंधित अधिकारियों और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का जो जिस तरह से क्षेत्र विस्तार होते जा रहा है, और ऐसे क्षेत्रों में और विशेष रूप से जैसे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे इंटीरियर विलेजेस हैं, वहां तक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचना है और योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ साथ फीडबैक बेस्ड मैकेनिज्म को भी हमें डेवलप करना है, जिससे कि योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन और किस तरह से योजनाओं का प्रभाव ग्रामीण अंचलों तक और अंदरूनी क्षेत्रों तक हो रहा है, उसका आकलन करना हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी है। तो उस दिशा में भी हम लोग सोशल मीडिया में काम करने वाले हैं। सोशल मीडिया लोगों को सूचनाएं पहुंचाने के साथ साथ लोगों को पहुंचाने और शिकायतों का जो निराकरण है वो करने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में सामने आ रहा है, और आगे भी इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि सुदूर जो क्षेत्र हैं वहां के जो लोग हैं वो भी सीधे सरकार से जो है संपर्क कर सके और अपनी बात पहुंचा सके और सरकार पहुंचा सके। अजीत द्विवेदी, DD News, भोपाल।